मनुष्य समाज में हिंसा अहिंसा को लेके बहुत अजीब सा द्वंद्व चलता है। जब हम हिंसा करते हैं तो उसे किसी आदर्श का नाम दे देते हैं। कोई भी मानव समूह हिंसा को न्याय संगत बनाने के लिए उसी किसी आदर्श से, देश प्रेम से या धर्म की रक्षा से या मनुष्य समाज की बेहतरी से जोड़ के उसकी वकालत करता है। अधिकांश धर्म और सारे दर्शन और सारा समाज अहिंसा को एक नैतिक रूप से तो मान्यता देता है, पर साथ ही साथ अधिकांश लोग उसे अव्यवहारिक भी मानते हैं। कई धाराओं के लोग तो अहिंसा को कायराना हरकत बोलते हैं और कई लोग तात्विक रूप से अहिंसा की बात करते हैं। वो चींटी को न मारने को अहिंसा कह देते हैं, पर मनुष्य को लूटने, प्रताड़ित करने, अन्याय अत्याचार करने में उनको हिंसा का बोध नहीं होता। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वो आतंकवाद से बहुत परेशान है। पर आतंकवाद के दो कारण हैं, एक तो मानसिक कारण है और दूसरा सामरिक आर्थिक कारण है। दुनिया के जितने यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित मुल्क हैं, इनका अर्थतंत्र या इनका साम्राज्य हथियारों के उत्पादन से चलता है। और हम एशिया और अफ्रीका और दुनिया के सारे देश जो यूरोप और अमेरिका नहीं हैं, उनके लिए ये अर्थव्यवस्था हमको एक मंडी के रूप में देखती है। उसका नतीजा यह है कि छोटे छोटे देश एशिया और अफ्रीका के हथियारों के लिए बहुत भूखे देश बन गए। इनकी सरकारों को, इनके समाज को, इनके सारे दिमाग ये सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा हथियारों से है। हथियार क्या है? और आजकल तो हथियार, ऐसा हथियार तो खत्म ही हो गया कि जो मनुष्य से चढ़ा हुआ हो। अब ऐसे ऐसे हथियार आ गए जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बदौलत पता नहीं कहाँ लगे रहेंगे और कहाँ जाके अपनी मारक क्षमता से संहार करेंगे। तो हथियारों के लिए जो असीम प्रेम है, इसने दुनिया में सोच की प्रक्रिया को बंद कर दिया। आज का समाज, आज की सरकार, आज के देश, आज की मनुष्यता इस बात की कल्पना ही नहीं कर पाता कि वो बिना हथियार के जिंदा रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हमको सोचना चाहिए, यदि हम वाकई में आतंकवाद से उबरना चाहते हैं, दुनिया में शांत जीवन चाहते हैं, तो हमको भले ही आदर्श लगे पर उस आदर्श के बारे में सोचना प्रारंभ करना चाहिए कि ये दुनिया हथियार विहीन कैसे बनेगी। दुनिया में कई आंदोलन हुए, आणविक अस्त्रों के खिलाफ हुए, बड़े हथियारों के खिलाफ हुए, पर इस आंदोलन की शुरुआत भी हमको करनी चाहिए कि हमारी दुनिया हथियार विहीन कैसे बने। दुनिया में कोई हथियार का प्रोडक्शन करे ही नहीं। यदि इस पे हमारी सहमति बनती है, इस सोच के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर दुनिया में सीमा भी खत्म हो जाती है। सीमा सबसे बड़ा कारक है सेना का। एक देश दूसरे देश से व्यापार भी करना चाहता है, संबंध भी करना चाहता है, पर्यटन को भी बढ़ाना चाहता है और सीमा भी रखना चाहता है। अब मेरा प्रश्न है ऐसे सारे लोगों से, ऐसे सारे सोच वालों से, कि ये जो हमारा मन और शरीर है, इसमें ज़्यादा मारक शक्ति वाला या ज़्यादा बुद्धि वाली चीज़ कौन सी है? हमारा मन या हमारा दिमाग ज़्यादा क्रियाशील, सृजनशील और विध्वंसक है या हमारा शरीर है? तो सारी दुनिया में सीमा बना बना के हम लोगों ने बॉडी को तो रोक दिया कि एक देश से दूसरे देश तक बॉडी नहीं जा सकती, उसके लिए पासपोर्ट लगेगा, वीसा लगेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा।
अरे कोई भी बॉडी किसी भी देश में जाएगी, कोई भी मनुष्य किसी भी इलाके में जाएगा तो होटल में ठहरेगा, कार में घूमेगा, खाना खाएगा, तो आपके मुल्क को पैसे ही मिलेगा ना। तो जिससे आपको आर्थिक समृद्धि है उस पर तो आप नियंत्रण लगा देते हैं, उस पर तो रोक लगा देते हैं। और ऐसी तकनीक, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई, आईटी का शास्त्र हमारे पास में आ गया, इंटरनेट हमारे पास में आ गया, जो किरणों से चलता है, वेव से चलता है, और उसको रोकने के लिए कोई सीमा नहीं है। तो एक तरह से सारी दुनिया, पूरा ग्लोब मन के लिए तो खुल गया। आज छोटे से छोटे मनुष्य के पास ऐसा साधन है कि जैसे मैं ये अभी बोल रहा हूँ, ये लाइव सारी दुनिया के अंदर जा सकता है। इसके लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं लगती, बड़े साधन की ज़रूरत नहीं लगती। एक क्षण में आप सारी दुनिया में अपने विचार को फैला सकते हैं या कोई घटित होने वाली घटना को ख़त्म कर देते हैं। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड मन के लिए तो हो गया, दिमाग के लिए तो हो गया, विचार के लिए हो गया। अब बॉडी के लिए बॉर्डरलेस बनाने में दो हर्डल है, एक तो देशों की सीमा और दूसरी देशों की सेनाएं। जब सीमा बनाई जाती है तो सेना को भी फिर हमको समृद्ध करना पड़ता है। वो ज़माना तो है नहीं कि लाठी लेके आदमी खड़ा हो जाएगा, तलवार लेके आदमी खड़ा हो जाएगा, वैसी सेना नहीं है, हाथी वाली नहीं है, पैदल वाली नहीं है। अब तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से, नए नए आविष्कारों से मारक क्षमता वाली है, जिनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर डरता है। हम खुद से भी डरते हैं और हम दूसरे से भी डरते हैं। तो ऐसी दुनिया जो एक दूसरे को डराने धमकाने की नींव पे ही जिंदा है, उस दुनिया से हमारा सवाल है कि वो आतंकवाद से कैसे जूझेगी। देखो, आतंकवाद छापा मार लड़ाई का है। दुनिया के इतिहास में पहले हवाई जहाजों को उड़ा के ले गए, फिर मानव बम बना, कहीं भी विस्फोट कर देते हैं और ये पीठ पीछे करते हैं। सेना जब हमला करती है तो सामने से करती है, युद्ध का शुरुआत होती है तो दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आके खड़े होकर लड़ाई को अंजाम देती है। पर आतंकवाद की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो पीठ पीछे है, वो अचानक है, वो बिना जानकारी के है। और सारी दुनिया के शहर भीड़ भरे हो गए, उसमें कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी को नहीं मानता, और कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो उसको भुगतने के अलावा हमारे पास में कोई समाधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वैसे तो बहुत व्यापक सवाल है, और अधिकतर लोग, कोई कहता है कि देश जो है हिंसक तरीके से ही आज़ाद होता है। जब हम इस दर्शन को आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया में जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है या जिनको भी लगता है कि हमको आज़ाद होना है, वो अहिंसक तरीके बजाय हिंसक तरीके को अपनाना पसंद करते हैं। और जब किसी मुल्क के, किसी इलाके के लोग हिंसक तरीके से अपना नया देश बनाना चाहते हैं या अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं या अपने विचारों को फैलाना चाहते हैं, तो फिर हमारी सेनाएं और सुरक्षा की जितनी भी एजेंसीज हैं वो उनको आधुनिक अस्त्र शस्त्र से, हथियार से निपटने का काम करती है। तो आज की दुनिया, आज तक तो इतने आधुनिकतम हथियारों से न तो आतंकवाद से निपट पाई है, न हिंसा से निपट पाई है, न युद्ध से निपट पाई है। एक तरफ तो ये दृश्य है, दूसरी तरफ हम व्यापार के मामले में पूरी दुनिया की सारी सीमाओं को ख़त्म कर दिए। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सारी सरकारें, सारा व्यापार पूरी दुनिया को ठिकाना बना के एक दूसरे से करने की बात करते हैं। तो फिर जो पूरा अर्थतंत्र हमारे सामने आके खड़ा हो गया, वो अर्थतंत्र बार बार मनुष्य को उसके खाने कमाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। जैसे कई लोग मुझसे बहस करते समय कहते हैं कि अनिल भाई, आप ये जो कह रहे हैं कि हथियार विहीन दुनिया होनी चाहिए, ये यूटोपिया है, ऐसा हो नहीं सकता। पर हम ऐसी दुनिया तो बना रही हैं जिसमें मनुष्य के जो खाने कमाने के औजार हैं, हर गांव-गांव के अंदर जो मनुष्य अपने परंपरागत उद्योग धंधों से, कुटीर उद्योग से, अपने दिमाग से, हाथ से, अपनी कारीगरी से जो अपनी आजीविका कमाता था, आज की दुनिया में उसको समेटने का व्यापक कार्यक्रम लोगों की सहमति के बिना दुनिया की सारी सरकारों ने ले लिया।
तो खाने कमाने के औजार भी इन दुनिया हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन सारा बड़ी कंपनी करेगी, प्रोडक्शन सारा बड़ी मशीन करेगी और मनुष्य टुकुर टुकुर देखेगा। ये जो परिदृश्य हमारे सामने खड़ा हुआ है इस पे हमको सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा अहिंसा का सवाल मनुष्य के ही नहीं प्राणी मात्र के सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारा समूचा दर्शन जियो और जीनेवे की बात करता है। यदि हम दुनिया को जीने लायक बनाएंगे तो जीने लायक बनाने के लिए हमको जीवन के वो सारे मूलभूत सिद्धांतों को मानना पड़ेगा जिन सिद्धांतों से इस प्लेनेट के ऊपर जीवन फला बड़ा और आगे आया है। हथियारों की होड़ में हमारा दिमाग जिस तनावग्रस्त तरीके से जी रहा है उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारी दुनिया के लोगों ने इस सवाल को आगे करके अपनी सरकारों को अपने समाज को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि आज के बाद इस दुनिया में किसी भी किस्म के हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभ्य हो गए, हम विकसित हो गए, हम आगे बढ़ गए, तो फिर हमको हथियारों की क्या ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ अहिंसक जीवन पद्धति के लिए हमको ऐसे औजारों को हमारे जीवन में फिर से प्रतिष्ठित करना पड़ेगा जिनमें कोई प्रदूषण नहीं होता, हमारे हाथ से और हमारे दिमाग से हमारे घर परिवार में बैठ के हम जीवन जीने के सारे संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं। यही जीवन जीने का सभ्य सुसंस्कृत और सरल तरीका है जिस पे हम चलेंगे तो न केवल हमारा जीवन अच्छा होगा बल्कि पूरे जगत में जो जीवन है उसको प्राकृतिक तरीके से जीते रहने का अंतहीन सिलसिला बना रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।